गाइस, सो आज है संडे और जब भी मैं सोनम से मिलती हूँ तो मोस्टली मनीष और विनय होते ही हैं, तो हमें अपना गर्ल्स टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता है. सो व्हाट वी हैव थॉट टुडे इज कि आज इन लड़कों को घर पे छोड़ते हैं और आज हम सिर्फ लड़कियां मिलेंगे. तो बस मैं अभी, हमने एक लोकेशन डिसाइड करी है. मनीष को कुछ काम था तो मनीष गाजियाबाद की तरफ आ ही रहे थे नोएडा से. सो वो एक मिड पॉइंट पे छोड़ेंगे सोनम को, वहां से मैं पिक करूंगी और फिर हम एक कैफे जाएंगे जहां पे हम बैठ करके अपनी मतलब गर्ल्स टाइम अपना स्पेंड करेंगे. सो गाइज, बस सोनम को पिक करते हैं और उसके बाद फिर कैफे लेके चलते हैं आपको. मतलब हम यहाँ पहुंच गए हैं लोकेशन पे. ये देखिए, सोनम को भी पिक कर लिया है. हाँ, यहाँ गाजियाबाद में अंदर मैं अकेले आई और इतना गंदा ट्रैफिक और इतनी गंदी ड्राइविंग वाले लोग मिले मुझे. और हमारी लोकेशन भी दिखा देती हूँ. हमारी लोकेशन है ला फ्रेया कैफे इन राजनगर. तो बस आपको अंदर लेकर के चलते हैं. इंटीरियर बहुत जबरदस्त है. तो या ऑब्वियसली इट्स मस्ट ट्राई फ्रॉम अस और हम यहाँ पर दोबारा भी विजिट करेंगे. गाइस, सो हमने अपना कैफे पे गर्ल्स टाइम स्पेंड कर लिया है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं. हमारी गाड़ी खड़ी है और गाइज अब हमारा प्लान बना है कि नोएडा में एक फ्लावर शो चल रहा है जो कि सिर्फ आई थिंक 23 से 25 तक था. तो आज लास्ट डे है तो, और वो 6 बजे तक ही ओपन रहेगा. तो हम बस यहाँ से निकल रहे हैं, ध्वनि को पिक करेंगे, विनय को पिक करेंगे, मनीष को पिक करेंगे और फिर हम चल रहे हैं आपको लेके नोएडा के फ्लावर शो में. तो गाइज फिर बस विनय को पिक करते हैं और फिर लेके चलते हैं आपको फ्लावर शो में.